अस्सलाम वालेकुम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री सॉल्व कर रहे हैं अब इस एक्सरसाइज में सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी हुई है स्टेटमेंट है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स मीन्स इस एक्सरसाइज में कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या वो कंटीन्यूस हैं गिवन पॉइंट्स के ऊपर हमने ये बताना है कि क्या वो फंक्शंस गिवन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हैं कि नहीं हैं आप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शन अ फंक्शन एफ अफेक्ट्स is said to be continuous. अब कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ए है इफ अगर वो कंडीशन प्रूव करे अगर ये कंडीशन साबित होगी तो वो कंटीन्यूस होगा उस पॉइंट पे, अदरवाइज नहीं होगा अब वो क्या कंडीशन है क्या लिमिट एक्स अप्रोचिज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। एक फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटीन्यूस होगा अगर उस पॉइंट पे लिमिट फाइंड की जाए फंक्शन की और उसका जो आंसर आए और वो पॉइंट डायरेक्ट फंक्शन में पुट किया जाए और वो जो आंसर आए दोनों इक्वल आए अब लिमिट एक्स अप्रोचिज टू एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए अब लिमिट एक्सअप्रोचिज टू ए ये राइट right लिमिट है और ये लेफ्ट लिमिट है 1.2 के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने राइट right और लेफ्ट लिमिट से सॉल्व किया था वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने देखा था कि लेफ़्ट और राइट right लिमिट से कैसे सॉल्व सोल्व होते हैं अगर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है फ़ॉर एग्जांपल इनका आंसर कोई एक नंबर आ जाए 100, 150, 900 कोई भी एक नंबर आ जाए तो वो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर आंसर इन्फिनी आ जाए तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट अनडिफाइंड है लेफ़्ट लिमिट और राइट right लिमिट के आंसर्स इक्वल आ जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए अब एफ ऑफ फे का क्या मतलब है एफ ऑफ फे का मतलब है कि वो जो जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है फ़ंक्शन को वो पॉइंट अगर फंक्शन में पुट किया जाए तो हमारे पास कोई एक आंसर आए जो कि इन्फिनिटी ना हो कोई रियल नंबर हमारे पास आ जाए तो वो फंक्शन डिफाइंड होगा अदरवाइज अगर इन्फिनिटी आता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होगा अब लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर फंक्शन में जब पॉइंट पुट करते हैं आंसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर कंटीन्यूस है लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए फंक्शन भी डिफाइंड हो और दोनों इक्वल भी आ जाए अब एक्स अप्रोचिस टू तो ए के ऊपर पॉजिटिव छोटा सा प्लस लिखा हुआ है और एक्स अप्रोचिस टू तो ए के ऊपर नेगेटिव छोटा सा लिखा हुआ है इनका क्या मतलब है ये हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका एफ एक्स इज़ इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री अब इस फंक्शन को हमने प्रूव करना ये है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है लेकिन फंक्शन प्रूव करना है किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट उन्होंने क्या दिया हुआ एट एक्स इज़ इक्वल टू थ्री इस पॉइंट पे हमने बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है अब फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हमने लिमिट फाइंड करनी है और फंक्शन में वो वैल्यू पुट करनी है तो हम सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं यहाँ पर एक है एक्स इज़ इक्वल टू थ्री तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अब सॉल्व करने से पहले फंक्शन जो है वो मोड की फॉर्म में दिया हुआ है हम सबसे पहले अगर मोड को ब्रेक कर लें तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोड मोड की डेफिनेशन हमें क्या कहती है अगर कोई वैल्यू मोड के अंदर है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एक वेरिएबल है जो मोड के अंदर है तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस एक्स आएगा इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो अगर एक्स जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है इक्वल है तो मोड क्या करेगा उसका आंसर वही लिख देगा मोड की ये बेसिक डेफिनेशन है कि मोड की वैल्यू वही रहेगी लेकिन अगर मोड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो मोड क्या करता है उसे पॉजिटिव कर देता है तो इसका मतलब मोड उसको माइनस से मल्टीप्लाई इनर्स माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा कब अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर है कोई लेस देन जीरो कोई नंबर है तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मोड़ के अंदर x माइनस थ्री लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोड यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा अब देखें अगर तो x की वैल्यू हमें नहीं पता x की वैल्यू कोई भी हो सकती है और उसको जब माइनस थ्री से सॉल्व करेंगे तो वो पूरा आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है पूरा आंसर नेगेटिव भी आ सकता है अगर तो वो सारा का सारा आंसर पॉजिटिव है तो मोड उसको वैसे लिख देगा एक्स माइनस थ्री मोड पॉजिटिव मोड का काम क्या होता है को, कि उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो उसको पॉजिटिव करेगा तो अगर पहले ही पॉजिटिव है तो वैसे ही पॉजिटिव लिखेगा लेकिन ये पॉजिटिव कब आएगा ये पॉजिटिव तब आएगा अगर एक्स की वैल्यू थ्री या थ्री से ज़्यादा हो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अगर तो x जो है वो थ्री आ जाए तो आंसर ज़ीरो ज़ीरो पॉजिटिव है अगर फोर लिख दिया जाए फोर माइनस थ्री इज़ वन वन पॉजिटिव है अगर फाइव लिख दिया जाए मीन्स थ्री से ग्रेटर कोई भी वैल्यू अगर आप एक्स की जगह पे लिखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब फंक्शन को आंसर वो जो मोड के अंदर जो भी आपके पास एक्स माइनस थ्री लिखा वो एज इट इज आ जाएगा अगर एक्स जो है वो थ्री से ग्रेटर है नाउ अगर एक्स जो है वो लेस देन थ्री आ जाए तो लेस देन थ्री अगर हम यहाँ पे टू लिख दें तो टू माइनस थ्री माइनस वन आएगा इसका मतलब मोड के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर एक्स की जगह पे हम अगर हम एक्स की जगह पे टू लिखें तो टू माइनस थ्री माइनस वन मोड आ गया और अगर हम यहाँ पे वन लिखें तो वन माइनस थ्री ये हमारे पास क्या आएगा वन माइनस थ्री माइनस टू मोड आ गया और अगर हम हम यहाँ पे ज़ीरो लिखे तो ज़ीरो माइनस थ्री ये हमारे पास क्या आएगा माइनस थ्री मोड आएगा और अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए माइनस वन माइनस थ्री तब भी नेगेटिव आंसर आएगा तो अब मोड के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे अगर एक्स जो है वो लेस देन थ्री आ जाए तो तो अगर एक्स लेस देन थ्री आ जाए तो मोड क्या करेगा जहरी बात है अब अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो मोड नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नेगेटिव नंबर जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना तो ये मोड की डेफिनेशन पूरी होगी मोड ने उस तो को पॉजिटिव कर दिया अब ये जो मोड थे ये मोड दो हिस्सों में ब्रेक हो गया अगर x जो है वो थ्री से ग्रेटर आएगा तो फंक्शन इस तरह डिफाइंड होगा और अगर x लेस देन थ्री है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री पे डिफाइंड होगा अब इसको हमने सॉल्व करना है अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हमने एफ ऑफ ए हमने क्या करना है एक्स इज इक्ल टू थ्री पॉइंट पर पुट करना है एक्स इज इक्ल टू थ्री पॉइंट पर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पर थ्री लिख देंगे अब देखना आपने ये है कि थ्री अगर एक्स थ्री के इक्वल हो देखें ये एक्स ग्रेटर देन थ्री इक्वल टू थ्री लेस देन थ्री अगर एक्स इक्वल आ जाए थ्री के तो फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री तो हमने एक्स की जगह पे थ्री लिखती है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू थ्री देन वी पुट एक्स माइनस थ्री और इस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे चूँकि हम एक्स की जगह पर वैल्यू लिख रहे हैं एक्टरक्ट तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे थ्री माइनस थ्री तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो अब अब हम फाइंड करते हैं लिमिट्स <coughs> 1.2 में हम लिमिट्स फाइंड करना सीख चुके हैं तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं हम किस तरह फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिस टू पॉइंट कौन सा थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स थ्री को अप्रोच कर रहा हो लेफ्ट साइड से हम हम वन पॉइंट टू में ये डिस्कस कर चुके हुए हैं ये अगर माइनस इनफिनिटी है इस तरफ यहाँ पर प्लस इनफिनिटी है और यहाँ पर कोई थ्री है अब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है हम इस तरफ से इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है हम इस तरफ से इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं एक्स अप्रोचिज टू थ्री नेगेटिव इसका मतलब है एक्स थ्री को अप्रोच कर रहा है थ्री के इक्वल नहीं है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो टू पॉइंट नाइन 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 कोई ऐसा नंबर है जो टू पॉइंट नाइन नाइन है वो थ्री नहीं है थ्री को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो इसका मतलब एक्स जो है वो थ्री से थोड़ा सा कम है जहरी बात है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सा कम होगा ना टू पॉइंट नाइन नाइन तो आप यहाँ पर देखें इफ एक्स इज़ लेस देन थ्री तो फंक्शन ये डिफाइंड होता है आपने सिर्फ ये देखना है कि वह x की वैल्यू इक्वल है लेस है या ग्रेटर है आपने फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है अब x जो है वो थ्री से लेस है लेस देन थ्री हम इसको पढ़ते हैं x अप्रोचिस टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट साइड अब थ्री से वो लेस है तो हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिस टू थ्री नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस थ्री ये वाली वैल्यू अब हम यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस एक्स माइन सॉरी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा थ्री एक्स की जगह पे आ गया थ्री माइनस थ्री एंड वी गेट माइनस जीरो तो आंसर आ गया जीरो ठीक हो गया अब अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड अब देखें राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिज टू थ्री ऊपर छोटा सा प्लस लिख देंगे मतलब एक्स जो है वो थ्री को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम राइट साइड अब जैसे हमने पहले कहा था हमने ये कहा था कि लेफ़्ट साइड का मतलब है एक्स थोड़ा सा कम है थ्री से राइट right साइड का मतलब है एक्स थ्री से बहुत बहुत मामूली फ़रक़ के साथ थ्री से थोड़ा सा ज़्यादा है थ्री पॉइंट ज़ीरो 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 वन थ्री से तो ग्रेटर ही है तो अगर एक्स थ्री से बेशक मामूली सा ज्यादा है लेकिन ज्यादा तो है तो हम फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री तो हम फंक्शन यूज करेंगे एक्स माइनस थ्री हम इस तरह डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा एक्स माइनस थ्री अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं थ्री माइनस थ्री आंसर इज ज़ीरो अब आप लोग देखो कि फंक्शन फंक्शन का आंसर जीरो लेफ्ट लेफ्ट लिमिट का आंसर ज़ीरो राइट लिमिट का आंसर जीरो तीनों आंसर इक्वल आ जाए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री क्या ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती है? कि लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए पॉजिटिव एफ एक्स प्लस एफ ए ये डेफिनेशन तो कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन है कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन डिफाइंड आ जाए तीनों के आंसर इक्वल आए तो हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन फंक्शन ्यूस दैट्स इट अब देखें क्वेश्चन नंबर टू अब इस क्वेश्चन में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री अब ये फंक्शन में अगर एक्स की वैल्यू थ्री के इक्वल नहीं है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री पर डिफाइंड होगा और अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो फंक्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा अब हमने बताना ये कि क्या ये थ्री पर कंटिन्यूस है ये फंक्शन के नहीं अब कंटिन्यूस है कि नहीं है इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहला काम हमने ये करना है कि f ऑफ थ्री फाइंड करना है f फंक्शन में थ्री पुट कर देना है और देखना है कि उसकी क्या आंसर आता है सेकेंड नंबर पर हमने लिमिट फाइंड करनी है लिमिट एक्स अप्रोचिस टू थ्री एफ ऑफ एक्स और फिर देखना है इसका क्या आंसर आता है पहली चीज़ हमें देखना है फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं अगर डिफाइंड है तो उसका आंसर क्या आता है डिफाइंड होने का मतलब तो उसका कोई एक आंसरेल आंसर आए अनडिफाइंड होने का मतलब कि इन्फिनिटी मतलब आंसर आ जाए तो ये डिफ़ाइंड होना चाहिए अगर इन्फिनिटी आ जाए तो क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा इसी तरह लिमिट क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट right लिमिट इक्वल आएँ और दोनों के आंसर सेम हो और वन इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अगर ये डिफाइंड है और लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे एफ ऑफ थ्री अगर एक्स थ्री के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ज़ीरो हो जाता है अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिज टू थ्री में नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इसका मतलब ये है कि x अप्रोच कर रहा है थ्री को फ्रॉम लेफ्ट साइड इसको हम ये भी कहते हैं x इज़ लेस देन थ्री एक्स बहुत 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 कम है मीन्स है थ्री के इक्वली हम इसे ये कहते हैं एक्स अप्रोच टू एक्स थ्री के इक्वल है, है, to, uh, की की इक्वल है। लेकिन अप्रोच करने का मतलब है थोड़ा सा कम है तो एक्स थ्री के इक्वल ना होगा फिर तो फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस नाइन डिवाइड एक्स माइनस थ्री अब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि थ्री पुट करेंगे थ्री माइनस थ्री जीरो होता है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स के माइनस थ्री स्केयर आवर एक्स माइनस थ्री फार्मूला अप्लाई करें मैजिक फार्मूला जिसे मैं कहता हूँ एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री इसे कैंसल हो गया आप वैल्यू पुट कर दें थ्री प्लस थ्री सो आंसर इज सिक्स नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अपोजिटिव थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अब एक्स जो है वो थ्री को अप्रोच क्या रहा है बट फ्रॉम राइट साइड इट्स मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन, थ्री बहुत कम लेकिन जीरो थ्री होगा लेकिन थ्री से ग्रेटर है थ्री इक्वल तो ना ना होगा तो फंक्शन दोबारा इसी पर डिफाइंड होगा तो अब हम क्या लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिस टू थ्री पॉजिटिव एक्स स्क्र माइनस नाइन आवर एक्स माइनस थ्री अगेन वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्र माइनस थ्री स्केयर एक्स माइनस थ्री तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्स अपोज टू थ्री एक्स प्लस थ्री वैल्यू पुट करेंगे थ्री प्लस थ्री और आंसर क्या आ गया हमारे पास सिक्स अब देखें ज़रा हमने जो फंक्शन फाइंड किया उसका आंसर ज़ीरो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया उसका आंसर सिक्स और हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड किया उसका आंसर भी सिक्स आ गया अब लिमिट तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है सिक्स और सिक्स फंक्शन भी हमारे पास डिफाइंड हो रहा है जीरो आंसर आता है अनडिफाइंड नहीं है डिफाइंड है लिमिट भी एग्जिस्ट करती है लेकिन लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर इक्वल नहीं है तो अगर हम अब अब हम इसे कैसे लिखेंगे अब हम लिखेंगे एज लिमिट एक्स अपोजिट टू थ्री नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सेप्टोज थ्री राइट साइड से लिमिट भी और लेफ्ट साइड से लिमिट थ्री को अप्रोच करें तो आंसर इक्वल आते हैं बट ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है एफ ऑफ थ्री के तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस Discontinuous at x is equal to 3. Thank you.